जो इस कहानी को बता रहा है उसको नरेटर बोलते हैं। प्रश्न है वेयर वॉज द नरेटर गोइंग टू, माने जो कहानी बता रहा नरेटर वो कहां जा रहा था, वेयर वॉज गोइंग टू, वो कहां जा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा नरेटर वॉज गोइंग टू देहरादून देन टू मसूरी। ठीक है, नरेटर कहानी को बता रहा था कहां जा रहा था, नरेटर वॉज गोइंग टू देहरादून देन मसूरी। देहरादून कहां है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी, जैसे हमारे राज्य की राजधानी रांची है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहां है, देहरादून। और मसूरी क्या है, बहुत बड़ा हिल स्टेशन, गर्मी के दिनों में लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ी शहर है, हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है। तो नरेटर जो है सबसे पहले देहरादून उत्तराखंड की राजधानी जा रहा था, बाय ट्रेन जा रहा था, है ना, रेलगाड़ी से जा रहा था, उसके बाद उसको कहां जाना था, देहरादून के बाद मसूरी जाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। क्या कह रहा है कि जो देहरादून शहर है, जो मसूरी शहर है, जो पर्यटक स्थल है, अक्टूबर के महीने में कैसा लगता है, इसका वर्णन करना है ना, अक्टूबर के महीने में कैसा लगता है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियास, द सन इज डेलिशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। यह है इसका आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में मसूरी शहर बहुत सुंदर लगता है, पहाड़ी शहर है। क्यों सुंदर लगता है, क्योंकि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियास। डालिया एक फूल होता है ना, बहुत सुंदर फूल होता है, हम इसके बारे में पढ़े हैं डालिया। तो मसूरी शहर में जो डालिया के फूल हैं वो पूरा शहर में चारों तरफ दिखाई देते हैं, पूरा शहर को देखोगे तो लगेगा डालिया के फूल ही फूल खिले हुए हैं। अच्छा लगेगा कि चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे तो अच्छा लगेगा कि नहीं, किस महीने में, अक्टूबर में। दूसरी बात, द सन इज डेलिशियस, डेलिशियस का मतलब यहां पर क्या है, आनंददायी है, ऐसे डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में कहीं कहीं कोई कोई शब्द जब लग जाता है उसका अर्थ बदल जाता है। डेलिशियस फूड के लिए होता है, लेकिन डेलिशियस सन के लिए आया है, तो सूर्य की रोशनी जो चारों तरफ सूर्य की किरणें सूर्य के द्वारा बिखेरी जा रही है वो कैसी है, बहुत ही आनंददायक है, मनोरम है, मन को बहुत ही प्रफुल्लित करने वाले हैं। फिर क्या कह रहा है, एट नाइट यू कैन सीट इन फ्रंट ऑफ द लॉग फायर। और चूंकि मसूरी कैसा शहर है, ठंड शहर है, मैं भी बह गया हूं मसूरी, ठंडक भरी शहर है, तो रात को लोग क्या करते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, सड़क किनारे, और आग जलाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर नहीं जलाते हैं, लकड़ी काट, लकड़ी से आग जलाते हैं और आग तापते हैं, आग सेकते हैं, क्योंकि काफी ठंड शहर है। फिर क्या कह रहा है, रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। रात के समय क्या होता है, डिजर्टेड का मतलब होता है वीरान, ऑलमोस्ट माने लगभग, रात के समय सड़क लगभग वीरान नजर आते हैं। क्यों वीरान नजर आते हैं, इतना ठंड को नहीं लगे भाई, तो रात के समय ये सारे वीरान नजर आते हैं। तो ये मसूरी का वर्णन किया गया है किस महीने में, अक्टूबर में।